वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट क्रैक करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, चूंकि हमारा YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म ऐसे ही कंपटीशन ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड करती रहती है, इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द फादर ऑफ ग्रेन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज। ऑप्शंस देख लेते हैं, केसी मेहता, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बार्लग, डी बैरी। सही जवाब होगा एम एस स्वामीनाथन। अगर क्वेश्चन में रहे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो उसका जवाब होगा नॉर्मन ई बार्लग, लेकिन अगर इन इंडिया रहे तो उसका जवाब होगा एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। ऑप्शंस इसका देख लेते हैं, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एपिकल्चर, ऑलरीकल्चर। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सिल्वीकल्चर का स्टडी किया जाता है। सिल्वीकल्चर इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एंट्स इज। ऑप्शंस इसका है मिर्मिकोलॉजी, मिर मैक्रोफिली, माइकोलॉजी, मिर मैक्रोफोलॉजी। सही जवाब होगा मिर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। हिपोक्रेट्स, थियोफ्रास्टस, अरिस्टोटल, डार्विन। करेक्ट आंसर होगा अरिस्टोटल। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं तो अरिस्टोटल को अरस्तु कह सकते हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में हिपोक्रेट्स, ये है फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन बी में है थियोफ्रास्टस, ये है फादर ऑफ बॉटनी, और ऑप्शन डी में है डार्विन, जिन्होंने सबसे पहले थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ। एग्रीकल्चर में किस चीज का कल्टीवेशन का स्टडी किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्किड्स। तो एग्रीकल्चर इज द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्प वृक्षा इज द नेम ऑफ। कौन सा वृक्ष इंडिया में कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेनियन ट्री, पीपल ट्री, कोकोनट ट्री और पाम ट्री। सही जवाब होगा कोकोनट ट्री। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इज। हमें बताना है कि बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच हमें ऑर्गेनिज्म्स का आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर बताता है। ऑप्शन दिया हुआ है
एक्सोबायोलॉजी, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टॉक्सिकोलॉजी। सही जवाब होगा टैक्सोनॉमी। इसमें ऑप्शन ए में है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ। ऑप्शन बी है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और ऑप्शन डी है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ टैक्सोनॉमी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए बायोमोलिक्यूल इज स्टडीड अंडर। हमें बताना है कि कौन सा ब्रांच में हम किसी बायोमोलिक्यूल के फिजियोकेमिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी। सही जवाब होगा बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म सेल। सेल वर्ड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कौन किया? ऑप्शन देख लेते हैं। स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक, लेवेनहॉक। करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का डिस्कवरी किया और उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में पता लगाया और एक किताब लिखा, एक बुक लिखा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन बाय। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस दिया हुआ है ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। तो सबसे पहले ये सेंटेंस किसने दिया हमें बताना है ऑप्शंस देखकर। ऑप्शंस दिया हुआ है लेवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, पाश्चर, विर्चो। सही जवाब होगा विर्चो। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कोई भी सेल्स का जो और उत्पत्ति होता है वह प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज अलोंग विथ एंटीजेंस इज। ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, एंथोलॉजी, सेरोलॉजी, साइटोलॉजी। करेक्ट आंसर सेरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ द प्लियोवाटनी। ऑप्शन इसका देख लेते हैं। स्वामीनाथन, बीरबल साहने, पी महेश्वरी, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है बीरबल साहने। ये जो ब्रांच है प्लियोबॉटनी, तो ये है फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स का स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज नॉन एज प्लियोबॉटनी। और प्लियोबॉटनी में सबसे ज्यादा योगदान रहा है बीरबल साहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट फाउंड इन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। आपको बताना है कि कौन सा केमिकल एलिमेंट पूरा लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व फूड इन केस ऑफ एनिमल्स इज इन द फॉर्म ऑफ।
आपको बताना है कि एनिमल्स में जो रिजर्व फूड होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, वह किस रूप में, किस फॉर्म में हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग एनिमल्स के बॉडी में रहता है। ऑप्शंस दिया हुआ है, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज और नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स में जो एक्स्ट्रा फूड है, रिजर्व फूड है, वह ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। हमारे बॉडी में ये एक्स्ट्रा फूड लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और जब कभी भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा फूड की जरूरत होती है, तो हमें ग्लाइकोजन से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ, इसमें ऑप्शंस में से आपको चुनना है कि किसमें 1 ग्राम से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। विटामिन, शुगर, प्रोटीन, फैट्स, इन ऑप्शंसों में से विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है तो शुगर से, प्रोटीन से और फैट्स से। और इन ऑप्शंसों में से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट्स से। 1 ग्राम फैट्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, 1 ग्राम शुगर या 1 ग्राम प्रोटीन से कम 2 गुना। सही जवाब है फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन इन व्हिच द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट रिमेन्स रिलेटिवली कॉन्स्टेंट विद इन इट्स लिमिट्स, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट वह लगभग कांस्टेंट रहता है इन रेस्पेक्ट टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। ऑप्शंस देखते हैं, ऑटोट्रॉफी, हिमोलाइसिस, होमोस्टेसिस, एपोप्टोसिस। सही जवाब होगा होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट लगभग कंस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। प्लांटी, एनिमलिया, मानेरंस, प्रोटिस्टेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में विटिकर ने पूरा एनिमल किंगडम को, पूरा ऑर्गेनिज्म्स को 5 भागों में बांटा है। इसमें है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी और एनिमलिया। 3-4 ऑप्शंस यहां पर दिया हुआ है। इनमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसमें होता है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होता है एनिमलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द 2 ब्रदर्स, वन लिविंग इन हिली एरिया एंड अदर ऑन सी लेवल, द वन लिविंग ऑन हिली एरिया विल हैव, आपको बताना है कि 2 भाइयों में से एक भाई हिली एरियाज में रहता है और दूसरा सी लेवल में रहता है। तो वह व्यक्ति जो हिली एरिया में रहता है उसमें क्या होंगी। ऑप्शंस देखते हैं, लेस आरबीसी, लेस बीएमआर, इनएक्टिव बोन मैरो, मोर एक्टिव बोन मैरो। तो जो व्यक्ति हिली एरिया में रहता है उसमें होंगी मोर एक्टिव बोन मैरो, ऑप्शन डी। अब ये कैसे, तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, तो वहां एयर डेंसिटी कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी कम होता है, और हमें उस कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होता है।
इसके लिए हमारे ब्लड में आरबीसी का नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो चूंकि बॉडी अपना आरबीसी नंबर को बढ़ाने के लिए बोन मैरो को ज्यादा एक्टिव करती हैं, इसीलिए जो व्यक्ति हिली एरियाज में रहती हैं उनकी बोन मैरो ज्यादा एक्टिव होंगी और जो सी लेवल में रहते हैं उसका बोन मैरो रिलेटिवली लेस एक्टिव होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अक्सर हम इस क्वेश्चंस को डिफरेंट एग्जाम्स में देखते हैं। क्वेश्चन है द टोटल हीट कंटेंट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड। किसी एक सिस्टम में जो हीट कंटेंट है या उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखते हैं इसका, एंट्रोपी, ट्रॉपिकल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। सही जवाब होगा इसका एंथैल्पी। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर डाइवर्स इन नेचर बिकॉज ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि लिविंग वर्ल्ड में प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स के होती हैं, प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका कारण क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एमिनो एसिड्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, डिफरेंट मॉलिकुलर नेचर ऑफ एमिनो एसिड्स, डिफरेंट मॉलिकुलर वेट ऑफ एमिनो एसिड्स। इसका कारण जो है वह है कि एमिनो एसिड्स का अरेंजमेंट में डिफरेंस होना। सही जवाब होगा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी करेंसी इज द टर्म यूज्ड फॉर। ऑप्शंस देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, एडीपी, रेस्पिरेशन। तो इन चारों ऑप्शनों में से एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ऑप्शन ए में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं कि एनर्जी करेंसी की जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया लगा देते हैं और पावर हाउस की जगह पर एटीपी लगा देते हैं, जो कि गलत है। इस प्रकार पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 99% ऑफ लिविंग सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ फोर एलिमेंट्स व्हिच आर। आपको बताना है कि लिविंग सिस्टम्स जो चार एलिमेंट्स से बना है, फोर एलिमेंट्स से बना है, जिसका 99% भाग यही फोर एलिमेंट्स से मिलकर बना है, उन फोर एलिमेंट्स का नाम बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और लास्ट ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमारा बॉडी, लिविंग सिस्टम्स का पूरा बॉडी इन चार एलिमेंट्स से मुख्य रूप से बना हुआ है, जिसका 99% कंट्रीब्यूशन यही चार एलिमेंट्स का है, CHON। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑप्शंस हैं मेलर, ऑपेरिन, डार्विन, नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है मेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन टुडेज एनवायरमेंट बट वाज एब्सेंट अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो।
ऐसा कौन सा गैस है जो आज से करीब 3.5 बिलियन ईयर्स एगो मौजूद नहीं था लेकिन अब का एनवायरनमेंट में वह मौजूद है। ऑप्शंस इसका देख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन। सही जवाब है ऑक्सीजन। जिस समय अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ था उस समय के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं था। अगर उस समय के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन से बायोमोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता और लाइफ ओरिजिनेट नहीं होता। इसलिए उस टाइम के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं था जो कि लाइफ ओरिजिनेट होने का एक सबसे अच्छा चांस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो लाइफ ऑन मून बिकॉज ऑफ ऑब्सेंस ऑफ। मून पर कोई लाइफ नहीं होने का कारण है कि उसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मून पर वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है या फिर हाइड्रोजन नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो है कि मून पर वाटर का नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय। ऑप्शंस देख लेते हैं, अरिस्टोटल, फ्रेडी, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कॉच। इसका सही जवाब होगा लुई पाश्चर। लुई पाश्चर सबसे पहले डिस्प्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, यानी सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट का एक थ्योरी दिया गया था जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता था कि लाइफ का ओरिजिनेशन ओरिजिनेट जो होता है लाइफ वह नॉन लिविंग सब्सटेंस से स्वतः हो जाती है, जिसका डिस्प्रूफ लुई पाश्चर ने किया स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैमल्स आर सेड टू ओरिजिनेट फ्रॉम। मैमल्स का ओरिजिनेट किससे हुआ? ऑप्शंस दिया हुआ है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। करेक्ट आंसर है रेप्टाइल्स। इवोल्यूशनरी स्टडीज से पता चला है कि मैमल्स का उद्भव जो है ओरिजिनेट जो है वह रेप्टाइल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? स्पॉन्टेनियस, कैटास्ट्रॉफिक, हेल्डेन एंड ऑपेरिन, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का सबसे एडवांस्ड थ्योरी या फिर कहें तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दिया था हेल्डेन एंड ऑपेरिन ने। इस थ्योरी के अनुसार लाइफ का ओरिजिनेशन बायो मॉलिक्यूल से हुआ, मॉलिकुलर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज न्यूक्लियस, सेल, प्रोटोप्लाज्म, फूड। आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शंस हैं, न्यूक्लियस, सेल, प्रोटोप्लाज्म और फूड। इसमें से प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर वॉज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर अर्थ के एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा। ऑप्शंस इसका देखते हैं, सेम एज प्रेजेंट, लेस देन प्रेजेंट, हायर देन प्रेजेंट,
डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हीट जो है इंफ्रारेड रेज को सोख लेती हैं और हीट कंटेंट अर्थ का बढ़ाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती हैं। अगर एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो अर्थ का टेम्परेचर प्रेजेंट वैल्यू से बहुत कम हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होंगी। इस प्रकार इसका आंसर है लेस देन प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।